Hello friends, and welcome back to the classes of this is where I'll teach you something related about computers. There are a lot of things which I want to teach you, and all those are just free of cost. So सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कंप्यूटर बेसिकली है क्या. ठीक है, मैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट हो रहा हूँ. ठीक है, अगर सपोज करो कि एक इलिटरेट पर्सन है आपके सामने और वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो आप क्या जवाब देते हैं उसको. तो देखो, कंप्यूटर की वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन आई हुई है ना, लेकिन जो सबसे बेस्ट है और जो सबसे ज़्यादा सूट करता है तो वो है कि कंप्यूटर इज जस्ट अ मशीन, है ना. वो सिर्फ एक मशीन है जो डेटा को एज इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करके आउटपुट देता है कंप्यूटर. ठीक है, सो सबसे जो सुपर डेफिनेशन है इसकी यही है. ठीक है, अब बात करते हैं हम कि ये इसके फंक्शन है. ठीक है, डेटा कुछ भी हो सकता है. डेटा का मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन. ठीक है, जैसे वो आपकी पिक्चर हो सकती है, वो आपकी इमेज हो सकती है, वो वीडियो हो सकती है, वो कोई फाइल हो सकती है, वो एक कोई पेंट की फाइल हो सकती है ना. तो बहुत सारी है. जैसे सपोज करो आपका एक सॉन्ग है, MP3 सॉन्ग है कोई किसी भी मूवी का, आपकी फेवरेट मूवी का. ठीक है, तो सबसे पहले आप इनपुट करोगे कंप्यूटर को किसी ना किसी के थ्रू. ठीक है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा विद द हेल्प ऑफ MP3 प्लेयर या VLC प्लेयर. ठीक है, ये एप्लीकेशन है जो उसको रन करेगी. ठीक है, प्रोसेसिंग इसकी जो होगी वो मदरबोर्ड, CPU, ये सब मिलके करेंगे उसकी प्रोसेसिंग. और फिर हमें जो आउटपुट के तौर पे गाना सुनने को मिलेगा वो थ्रू स्पीकर होगा या कुछ भी होगा, है ना. यानी कि एज इनपुट डेटा को लेता है ये कंप्यूटर, उसको प्रोसेस करके और वापस आउटपुट रिटर्न कर देता है. ठीक है, सबसे सिंपल डेफिनेशन है कंप्यूटर की. ठीक है, उसके बाद ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है. बिजनेस में बहुत यूज़ होता है. जैसे आपका MS ऑफिस है तो लोग प्रेजेंटेशन देने के लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर को. ठीक है, या जो कोई बहुत बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं वहाँ यूज़ होता है कंप्यूटर. आपका स्टॉक से रिलेटेड जो काम होता है वो सारा कंप्यूटर पे होता है. आपके अकाउंट्स बनने, आपके बिजनेस रिलेटेड बैलेंस शीट है, ये है, वो है, एक्सेल की शीट है, तो आपका सारा बिजनेस रिकॉर्ड एक कंप्यूटर पे हो सकता है. तो कंप्यूटर बहुत यूज़ होते हैं बिजनेस लाइन में. उसके बाद बैंकिंग में आप आ जाओ, बैंकिंग में यूज़ होता है. आपके ATM है ना, सबसे अच्छा एग्जांपल है बैंकिंग का. आप कहीं भी बैठे बैठे कंप्यूटर के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू आप कहीं से भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. ठीक है, इंश्योरेंस में यूज़ होता है कंप्यूटर. एजुकेशन में होता है, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर और कंप्यूटर की हेल्प से बच्चों को टेक्निकली एडवांस तरीके से सिखाते हैं, जिससे कि उन्हें समझ में आए ज़्यादा, है ना. तो एजुकेशन के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कंप्यूटर. मार्केटिंग आ जाओ आप, मार्केटिंग में स्टॉक, है ना, निफ्टी या सेंसेक्स, आपके सारे रिकॉर्ड और उसके बाद किस उसमें जा रहा है, क्या कहते हैं, आपका सेंसेक्स है, कितनी ग्रोथ कर रहा है, कितना डाउनवर्ड हो रहा है. ठीक है ना, उस हिसाब से मार्केटिंग में भी बहुत यूज़ होता है कंप्यूटर. हेल्थ केयर में आ जाओ आप, बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं, बहुत सारे वो अलग तरह के कंप्यूटर होते हैं लेकिन वो भी कंप्यूटर में ही आते हैं.
ठीक है, बहुत सारे जो आपके कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर है जो दिल की धड़कन बताता है ना, और भी बहुत सारे हैं जिससे आप बहुत कुछ देख सकते हो, जैसे अल्ट्रासाउंड में आप बेबी की पिक्चर देख सकते हो, मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड योर स्टमक दैट इज़ व्हाट यू कैन सी। तो हेल्थ केयर में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और वो जो कंप्यूटर होते हैं वो स्पेशल इसी पर्पज़ से होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। इंजीनियरिंग में आपका डिज़ाइन बनाने के उसमें होता है, कोई बिल्डिंग बनानी है तो आप CAD है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू आप कोई गाड़ी है आपकी, मे बी इट्स टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स है ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप नई नई कार्स का मॉडल बना सकते हो, डिज़ाइन बना सकते हो, बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर बना सकते हो है ना, और शिप है, एरोप्लेन है, इन सब का डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हो। फिर मिलिट्री में यूज़ बहुत होता है कंप्यूटर, एरोनॉटिक्स में तो होता ही होता है, देखो तो एरोप्लेन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, किसी मिसाइल को कमांड देनी है तो यूज़ होता है, उसके बाद रडार होती है आपकी है ना, कि दुश्मन हमारे रडार के एरिया में तो नहीं है, तो मिलिट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एरोप्लेन्स को वो करने के लिए, अपने मिलिट्री बेस को कमांड देने के लिए, इन सब में यूज़ होता है मिलिट्री में कंप्यूटर। कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे आजकल VoIP चल रहा है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा इजीली लैंग्वेज में बोलूँ तो जैसे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है, व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, इन पर हम चैटिंग कर सकते हैं है ना, और VoIP जिसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो होता है वॉइस कॉल, तो इस पर हम फ्री वॉइस कॉल कर सकते हैं, स्काइप हुआ आपका है ना, इन सब पे आप फ्री वॉइस कॉल करके आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल्स के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो कम्युनिकेशन का भी एक बहुत ज़्यादा माध्यम बना हुआ है आपका ये कंप्यूटर। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड्स रखने के लिए ये एजेंसियाँ होती है आपकी, CBI, CID, ये वो ब्ला ब्ला, ये सब ट्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि जैसे बजट हुआ आपका, तो बजट के उसमें भी आपका कंप्यूटर यूज़ होता है, सारा बजट का डेटा कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है, वो सब का रिकॉर्ड कंप्यूटर पे होता है, ठीक है। ई गवर्नेंस आ गया है अब तो है ना, आप यहीं से बैठे बैठे आप अपना वोटर आईडी कार्ड निकलवा सकते हो, या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का OPD में अगर आपको चेकअप कराना है तो आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है फॉर्म भरने के लिए, तो आप सीधा वेब पोर्टल से जाके उसको यूज़ कर सकते हो है ना, तो गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अभी दिस इज़ द एंड ऑफ द स्लाइड, तो ये सिर्फ मैंने आपको अभी तक सिर्फ ये बताया कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और वो यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। अब हम अगली क्लास में मैं आपको इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई जल्दीबाजी में नहीं चलेंगे, और कोई मतलब फालतू की चीज़ नहीं पढ़ेंगे, जो मतलब हमें पता होनी चाहिए हर उस इंसान को जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, मैं सिर्फ आपको वो बातें बताऊंगा, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माय फर्स्ट चैप्टर, थैंक यू सो मच, keep watching my channel and God bless you.